ग्वालियर में जेल प्रहरी पर कातिलाना हमले के पीछे पुराने मकान का सौदा रहा है, इसलिए जेल प्रहरी को मारने का प्लान बनाया गया था। उस पर कातिलाना हमला करने वाले 3 गुंडे गिरफ्तार किए गए हैं, यह लोग खुलासा कर रहे हैं। जेल प्रहरी ने जिस मकान का सौदा किया उसे सरगना रिंकू कमरिया खरीदना चाहता था। उसने मकान से दूर रहने का इशारा भी किया था। घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी अभी फरार हैं। वहीं पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर की जेल में पदस्थ जेल प्रहरी विनोद पारछे निवासी घासमंडी पर जानलेवा हमला करने वाले छोटू कमरिया, जगन और गगन गौतम पकड़े गए हैं। कुंडों ने खुलासा किया कि विनोद को बदमाश रिंकू कमरिया के नेपर मारा था, क्योंकि विनोद पारछे ने घासमंडी में मुस्लिम परिवार से मकान खरीदा है। उसे सटे जमीन पर रिंकू ने शेड बनाया है। रिंकू बाजू का मकान खरीदना चाहता था क्योंकि इस मकान के बाद मेन रोड पर है। इस मकान का सौदा होता तो रिंकू के मकान का दूसरा सिरा भी मेन रोड पर खुल जाता। गिरफ्तार 3 गुंडे पुलिस के सामने खुलासा कर रहे हैं कि विनोद पारछे ने मकान खरीद लिया तब उस पर प्लानिंग से हमला किया। उम्मीद थी कि विनोद घबरा कर मकान छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उस पर जानलेवा हमला किया जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अभी भी वह मौत से लड़ रहा है। जिसे देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर डेड हेयर का नाम भी घोषित किया था। अभी गौतम, लालाराम, नितिन और रविंद्र कमरिया फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के खुलासे पर रिंकू कमरिया पर हमले की साजिश रचने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एक ग्वालियर थाने में एक जेल प्रहरी पे अभी कुछ बदमाशों ने हमला करके उसको घायल किया था और उसमें 307 की FIR हमने 503/23 अपराध ग्वालियर थाने में पंजीबद्ध किया था। उसमें जो अपराधी थे उन पे हमने इनाम भी घोषित कराया था 1500 रुपये का और वो उसी दिनांक घटना दिनांक से फरार चल रहे थे। तो उसी के तारतम्य में हमारी ग्वालियर पुलिस थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ये ऑपरेशन करके इनको अभी तीनों को धर दबोचा है और उन विवेचना में उनको जेल भेजा है। विवाद का कारण क्या था, उसमें क्या सबूत निकल के आया और आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी बदमाश प्रगति का रहा है, उसके पहले भी अपराध पंजीबद्ध है और जो जेल पहली से विवाद उसका किसी मकान को लेकर बताया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री को लेकर, तो उसी पर उसने ये घटना कारित की थी और हमने उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा है।